जो बुनियादी मुद्दे हैं कि महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो, हमारे लोग जो भारत छोड़ करके चले जा रहे हैं, कुछ लोग तो अपनी खुशहाली के लिए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लाखों लोग ऐसे हैं जो धन दौलत उनके पास है वो इस देश में रहना नहीं चाहते, क्योंकि ये सरकार उनको रहना नहीं देना चाहती। इनके पास बुनियादी ठोस मुद्दे जो किसान की जरूरत के वो नहीं पूरे कर रहे हैं। आपको सबको याद होगा, यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। हालांकि 2023 शुरू हो गया है, लेकिन मुझे तो ये लगता है किसान की तकलीफ और परेशानी को देख करके इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का 2022 अभी खत्म नहीं होगा। इनका 22 खत्म नहीं होगा, 23 आ गया, 24 आ जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि 22 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो अभी दोगुनी नहीं हुई है। हमारा किसान तकलीफ और परेशानी में है, उसको वादा तो कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी उसे मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल पा रही है। ये हमारा जो नौजवान दिखाई दे रहा है, ये नौकरी और रोजगार की तलाश में अपना भविष्य चौपट कर रहा है। ये सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही। आपका प्रदेश में तो सरकार है जहां मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपने प्रदेश में देखते हैं जहां पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। जैसे ही चुनाव आ गया है, इन्होंने तय कर लिया है कि जगह जगह इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे और इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने लोगों को धोखा देंगे। ये प्रचार के माध्यम से धोखा देना चाहते हैं।